हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर विनीत कुमार राय फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कैप्सूल में। इस लेक्चर में, ये लेक्चर नहीं है एक्चुअली, ये फार्मास्यूटिक्स कोर्स कैरिकुलम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। अभी तक मैं बायो फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स मैक्सिमम सिलेबस कवर कर चुका हूँ, और उसके अलावा दो सब्जेक्ट और उठाए थे, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिकल फार्मेसी। वो काफी पेस में चल रहे, एंड द नेक्स्ट वन इज फार्मास्यूटिक्स, और मैंने चार सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया है कंप्लीट करने के लिए। तो आई विल स्टार्ट विद द कोर्स कैरिकुलम कि आपके कोर्स में क्या है। जीपैट की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो भी सिलेबस 2023 जीपैट एग्जामिनेशन के लिए बताया गया है वो सारी चीजें इसमें कवर्ड है, और कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा बन सकते हैं। तो मैक्सिमम से 70-80% अगर आप सिलेबस कवर करते हैं तो फार्मास्यूटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। कुछ टॉपिक्स आप हो सकता है कि इरेलेवेंट हो, कभी क्वेश्चंस ना आए हो, तो उनको स्किप कर सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू कवर एटलीस्ट 80-85% सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वी विल स्टार्ट विद दिस, एंड मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है जीपैट एग्जाम को क्रैक करने का। अगर कोई शॉर्टकट क्लेम करता है कि शॉर्टकट को आप अपना लीजिए और आप जीपैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको बेवकूफ बना रहे। शॉर्टकट नहीं है इसका मतलब, आप स्ट्रिक्ट या फिर जो आपका एक ही तरीका है इसको क्रैक करने का, कि एक सही डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करनी है। कुछ चीजें आपको पढ़नी है, कुछ चीजें छोड़नी भी हो सकती हैं, और मैक्सिमम इसमें आपको कवर करना ही है। आपको स्मार्टली वर्क करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं। तो एक सब्जेक्ट में आपको एक आइडिया तो हो जाता है जब आप पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चंस देखोगे, तो फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम किस किस यूनिट से लिए गए हैं। देर आर 28 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उस 28 यूनिट से अगर 3-4 यूनिट को हम छोड़ दें तो बाकी से सर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और 4 यूनिट से है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कभी कभी, तो आप उनको अगर स्किप भी करते हो तो हार्डली थोड़ा बहुत आपका नुकसान होना है, एक एक या 1.5 क्वेश्चन का बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट यू हैव टू कवर, आई वुड सजेस्ट कि आप होल सिलेबस पढ़ के जाए, क्योंकि आप दिमाग में आपके वहां पे रहता है तो क्लिक कर सकता है क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वी विल स्टार्ट विद फार्मास्यूटिक्स कोर्स कैरिकुलम, एंड इट वुड बी ऑफ 152 मार्क्स इन टोटल। तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी के साथ में केमिस्ट्री होगी, तो 152 मार्क्स कवर हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मिले जुले क्वेश्चन हैं फार्मास्यूटिक्स या फिजिक्स कुछ इसमें, जैसे पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया, ये सारी चीजें। अब जो प्री फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कुछ फिजिक्स है वो सब फिजिकल फार्मेसी या फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मिक्स्ड होती हैं, आप पता नहीं चलता कि वो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है कि फिजिकल फार्मेसी का क्वेश्चन है या किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर। तो 152 मार्क्स के तो आने ही आने हैं, तो लेट्स स्टार्ट। हियर यूनिट 1 ऑफ दिस सब्जेक्ट कवर्स फार्मेसी प्रोफेशन एंड इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स। सो दिस इज द वेरी बेसिक नॉलेज, एंड दे आस्क अबाउट, एंड हियर द फार्मेसी कैरियर डेफिनेशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एरियाज कंसर्न, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, हिस्ट्री क्या है उसकी, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक बार देख लेना है, एक बार देख लेना है मतलब अच्छे से। और कुछ डेट्स वगैरह हो तो आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है,
एंड अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ प्रेजेंट इंडियन फार्मा एंड इंडस्ट्री फ्रॉम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव. सो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. एंड देन इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म, ड्रग क्या है, एपीआई के बारे में बात होगी, फिर न्यू डोजेज फॉर्म क्या है, उन्हीं एपीआई को यूज करके कैसे बनाए जा रहे हैं, द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द डोजेज फॉर्म एंड द नीड ऑफ प्रिपेयरिंग डोजेज फॉर्म क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है डोजेज फॉर्म बनाने की, और एपीआई को ही हम डायरेक्टली क्यों नहीं खा लेते. तो देर आर सेवरल क्वेश्चंस यू कैन क्लियर बाय रीडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और उसके अलावा है आइडियाज अबाउट द अवेलेबल टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म एंड न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस एंड न्यू डोजेज फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स, इसके बारे में आपको आइडिया यूनिट 2 में लग सकता है, एंड उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो हियर द थर्ड यूनिट इज सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन. एक फार्मेसी में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल साइंस जब हम पढ़ते हैं, दैट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या है. तो हमारा जो बाइबल है, हमारा जो कुरान है, हमारा जो गीता है, वो सारी चीजें क्या है, फार्माकोपिया. अभी फार्माकोपिया एक ऐसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं, तो इंडियन फार्माकोपिया. और उसके बाद यूएस है, आईपी, यूएसपी, ईपी, है ना. तो ये सारे फार्माकोपिया को हम बीपी हो गया फॉलो करते हैं, और ताकि स्टैंडर्ड्स हमें पता चलें और उसके बेसिस पे हम अपने स्टडीज को आगे बढ़ाते हैं, और ये अपडेट होती रहती हैं. तो जो अपडेट जो भी हुआ है उसको भी हमें देखना होता है. तो इस फार्माकोपिया जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ना, नेशनल फॉर्मुलरी के बारे में पढ़ना, तो और इन क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में, तो टेक्स्ट बुक क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, इंटरनेट सोर्सेस क्या होते हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस, ये सब के बारे में मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा. और आप जो रिलेवेंट सोर्सेज हैं, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक हैं जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं को फॉलो जरूर करें. लैक एंड लियोन है, एंसल है, रेमिंगटन, कुछ चीजें हो रेमिंगटन फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, चेन की बुक है, लेकिन हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक हो सकता है. आप चार जगह से अगर पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगना है. तो आई वुड सजेस्ट कि मैं एटलीस्ट 3 बुक्स फॉलो करता हूँ तब ये लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ, और 3 स्टैंडर्ड बुक्स, तो एक मिक्स इंफॉर्मेशन आपके पास आती है जो कि आप अकेले अगर बैठेंगे पढ़ने के लिए तो शायद बहुत मुश्किल होता है कि तीनों बुक से इंफॉर्मेशन लें और फिर एक निचोड़ निकाल के और उसको हम स्टडी करें. एक पर्टिकुलर बुक कोई लेके और आप पढ़ जाते हैं और एग्जाम दे आते हैं. बट यहाँ पे जो लेक्चर्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो 2 या 3 बुक्स रिफर करते हैं, और ट्राई करता हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन छूटे ना, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे. तो कीप वॉचिंग माई चैनल ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेके जाइए और एग्जाम को क्रैक करिए. हियर द फोर्थ यूनिट कंटेन एलोपैथिक डोजेज फॉर्म. एलोपैथी का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड व्हीकल्स एक्सिपिएंट क्या हैं, एग्जांपल डोजेज फॉर्म्स, लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, एरोमेटिक वाटर, सिरप, एलेक्सर इंक्लूड. देर आर सेवरल डोजेज फॉर्म्स इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, सो यू कैन सी एंड स्टडी. देन क्रूड एक्सट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप के क्रूड एक्सट्रैक्ट है जिसमें इन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, डिकॉक्शन क्या है, मैसरेशन है, पर्कुलेशन है, ट्रिंचर, एक्सट्रैक्ट है, देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन स्टडी. एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्राई, सॉफ्ट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट. देन एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट, ऐसे एक्सट्रैक्ट जो एलर्जी कॉज करते हैं, और आप देखे होंगे कि कुछ प्लांट सोर्सेज ऐसे होते हैं जो अगर बॉडी पे लग जाए तो हमें खुजली होने लगती है,
एलर्जी, एंड कुछ ऐसे हैं जिसकी स्मेल चली जाए तो हमें छींक आने स्टार्ट हो जाती है, जुकाम हो जाता है. तो देयर कॉल्ड एलर्जेंस. एंड हाउ वी प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली एलर्जी है तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेनी होंगी, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स विल बी स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल, उसके टाइप्स हैं, सूचर्स एंड लिगेचर्स क्या हैं. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं ये, मतलब सर्जरीज में या फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये यूज होते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर डोजेस फॉर्म और ड्रग्स. तो उसमें प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्टरलाइजेशन उसका कैसे किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैटगट एंड नायलॉन वगैरह यूज करके ये सूचर्स जो बनाए जाते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी स्टडीड. देन यूनिट 5, 6, 7, 8. इंक्लूजन, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, ओके, एलर्जेनिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. एंड देन एट्थ यूनिट इज फार्मास्यूटिकल प्लांट लोकेशन या लेआउट क्या है. प्लांट लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक बड़ा रोल होता है उनका कि प्लांट लोकेशन, अगर ये प्लांट है तो एक पर्टिकुलर एरिया बताया जाता है कि आपको 3000 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर इसका आप, या फिर 4000 स्क्वायर फीट का आपका एरिया बनाना है, और हर चीज के लिए एंसिलरी एरिया है, तो प्रोडक्शन एरिया है, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, तो तमाम तरीके के एरियाज इसमें बनाए बताए जाते हैं. आई विल लेट यू नो कि हर एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है और किस सीक्वेंस में होना चाहिए. तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी. देन यूनिट नाइन इज फॉर डोजेस फॉर्म, नेसेसिटीज एंड एडिटिव्स क्या है, उसकी डोजेस फॉर्म है क्या, क्यों, क्या जरूरत है, क्या एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव है, कलरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग है, एमल्सीफाइंग है, सस्पेंडिंग एजेंट है, ऑइंटमेंट बेसिस है, या फिर सॉल्वेंट्स है, क्या क्या यूज होते हैं, वी विल स्टडी इन दिस यूनिट. पाउडर्स, पाउडर्स हर डोजेज फॉर्म, उसके एडवांटेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, बल्क पाउडर क्या है, डिवाइडेड पाउडर क्या है, बहुत सारे पाउडर की कैटेगरी है, टॉपिकल यूज के लिए क्या है, ओरल यूज के लिए क्या है, कितना ज्यादा यूज होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें इसमें कवर होंगी. देन कैप्सूल, ये पाउडर हो गया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट्स हो गए, सेमीसोल डोजेस फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वी विल स्टार्ट आवर स्टडी फ्रॉम पाउडर्स, और यहीं से स्टार्ट करेंगे. और जो स्टार्टिंग यूनिट्स है मैं थोड़ा बाद में कवर करूंगा, स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं चाह रहा हूँ कि पहले कवर हो जाए, उसके बाद धीरे 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 हम उसके क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं. मैं ये नहीं कह रहा, आपको पढ़ना भी है, लेकिन अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि आपके 152 मार्क्स में से मैक्सिमम 100 मार्क्स तो यहाँ पे कवर हो जाए, बाकी जो बचते हैं वो दूसरी यूनिट से आ सकते हैं. तो 8, 7 या 8 यूनिट ऐसी हैं जिसे आपके 100 मार्क्स कवर हो जाएंगे, बाकी यूनिट से 50 मार्क्स. तो इस तरीके से क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. हालांकि ये पैटर्न सही मान सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मुलेशंस हैं यही हैं जो मैं बता रहा हूँ, टैबलेट है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, सिरप्स हैं, और सेमीसोल्ड डोजेस फॉर्म्स हैं, पाउडर्स हो गए, ठीक है. तो कैप्सूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे 11th यूनिट में, 12th यूनिट इस फॉर टैबलेट, टैबलेट्स के बारे में, टैबलेट की क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप के टैबलेट्स यूज करते हैं हम, टैबलेट बनाया कैसे जाता है, उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, ऑफिशियल टेस्ट कौन से हैं, नॉन ऑफिशियल टेस्ट कौन से हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ सकते हो. देन पेरेंटल्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्लास है, एंड वही डेफिनेशन से लेके फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और उसका इवेल्युएशन सब कुछ इसमें कवर्ड होगा. देन सस्पेंशन, सस्पेंशन ओरल पेरेंट्रल बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें कवर होंगी. इमल्सन, देन सपोजिटरी, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म,
इसमें आप देखेंगे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में तो सारा सारा कुछ, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट है, इवैल्यूएशन है। यूनिट 18 में अगर आप देखेंगे तो लिक्विड डोजेस फॉर्म से, लिक्विड डोजेस फॉर्म जिसमें सिरप्स है, एलिक्सर है, स्प्रिट है, एरोमेटिक वाटर है, ये सारी चीजें हैं जो कि हम एक्सटर्नल यूज के लिए भी यूज करते हैं और इंटरनल यूज के लिए भी। तो इन यूनिट 19 फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स के बारे में देखेंगे, और एरोसोल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको लेते हैं, क्या डोजेस फॉर्म यूनिट बनाने के लिए क्या किया जाता है और बल्क में लेने के लिए क्या किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। यूनिट 20 दैट इज फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो कि आईज में यूज होता है और इसमें स्टेरिलिटी का बड़ा रोल है। तो वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को बनाया कैसे जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और कंटेनर्स और क्लोजर्स काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, वो हम स्टडी करेंगे, और आईपी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एक ऐसा यूनिट है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हमें एटलीस्ट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की उसके बारे में पता चल जाएगा, और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को डिजाइन, फॉर्मुलेशन को डिजाइन करते हैं, देन वी विल नो। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्रग की उसी पे बेस्ड हमारी फॉर्मुलेशन होती है। अगर कोई ड्रग है जो सॉल्युबल नहीं है, परमेबल नहीं है, तो हम ओरल रूट से बहुत ही कम देते हैं उसको, टॉपिकल रूट या फिर किसी और रूट को प्रिफर करते हैं ताकि उसको इजीली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचाया जा सके, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाती अगर वो ड्रग बनी है लोकल एक्शन के लिए, तो स्किन पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसको किसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करके टॉपिकल डोजेज फॉर्म। तो इस तरीके की चीजें फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज से हमें पता चल जाती हैं कि हमें कौन सी डोजेज फॉर्म बनानी है ना, और वो एब्जॉर्ब होगी कि नहीं होगी, आयनाइज होगी या फिर अपनी इंटीग्रल जो उसकी क्वालिटी है उसको मेंटेन करेगी, टूटेगी नहीं ड्रग या डिग्रेड नहीं होगी, स्टेबल होगी, है ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो इजिली आप एक डोजेज फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स, इसमें आईसीएस की गाइडलाइन को बेस लेते हुए ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, आईसीएस Q1 गाइडलाइन, और Q1 गाइडलाइन में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, Q1A B C D E F, है ना। तो 5-6 तरीके की गाइडलाइंस हैं, किस सिचुएशन में कौन सी गाइडलाइन यूज होनी है वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो सारी चीजें वहां से कवर होंगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप चाहें तो उससे पढ़ भी सकते हैं। आईसीएच गाइडलाइन आप सीधे आईसीएच की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो या मेरी वीडियोस देख सकते हैं आईसीएच गाइडलाइन पे, मैंने बताई है क्वालिटी के बारे में। Q1 गाइडलाइन स्पेशली, तो एक जनरल आइडिया लग जाएगा, और उसको डिटेल में देखना है तो आप सीधे वेबसाइट पे जाइए, Q1 गाइडलाइन डाउनलोड करिए, 6 डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे और सारी चीजें पढ़ जाइए। ठीक है, नाउ यूनिट 23 प्रोलॉन्ग एक्शन फार्मास्यूटिकल्स, जिनका एक्शन हमें लंबे समय तक रिक्वायर्ड होता है, बॉडी में वो पड़े रहते हैं और अपना एक्शन शो कर सकते हैं, करते रहते हैं, तो ऐसी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कुछ न्यू टाइप की बनाई गई हैं जो पिछले 15 साल 20 साल से यूज हो रही हैं, और कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म जो टैबलेट कैप्सूल है या फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है उनसे हटके या पेरेंटल से हटके कुछ फॉर्मुलेशन डेवलप की गई हैं जिनको पार्टिकुलेट या नैनो पार्टिकुलेट, माइक्रो पार्टिकुलेट फॉर्मेट में हम यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें कवर होंगी और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड वैलिडेशन, ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, विल सी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, और एलिमेंट्स ऑफ GMP, वैलिडेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, और
वैलिडेशन से पहले, एनालिटिकल प्रोसीजर वैलिडेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें देंगे। देन यूनिट 26 इज फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स। तो पैकेजिंग मटेरियल को के बारे में कि हम डोजेज फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उनको पैक भी तो करना है, उनको डिलीवर भी करना है एंड यूजर तक, राइट? तो कैसे डिलीवर करोगे पैक करके? और पैकिंग हम डोजेज फॉर्म पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की पैकिंग लेनी है। टैबलेट को पैक करना है तो हम स्ट्रिप्स में पैक करते हैं या फिर कभी कभी बॉटल में डाल दिया जाता है, ठीक है? और टैबलेट यूनिट डोजेज फॉर्म है तो उनकी पैकिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। अब टैबलेट को बॉटल में रख दीजिए, बॉटल सेफ होगी, सारी के सारी टैबलेट ऊपर से झड़ते झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, अगर कोटेड नहीं है तो। तो पैकेजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिरप के लिए अलग होगा, सस्पेंशन के लिए अलग होगा, इमल्शन के लिए अलग होगा, सेमीसॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए अलग होगा। तो हर तरीके की पैकेजिंग के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस है, किस किस टाइप के मटेरियल यूज होते हैं पैकेजिंग में, वो सारी चीजें इसमें कवर्ड है। कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ डेंटिफाइसेस, हेयर क्रीम्स है, लिपस्टिक है, फेस पाउडर है, सेविंग प्रिपरेशन है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशली आपके एलिगेंस को बढ़ाने में। तो आपके एलिगेंस को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं, चाहे वो फीमेल हो स्पेशली या फिर मेल हो, मेल भी यूज करते हैं कुछ तरीके के, जैसे हेयर डाई, फेस पाउडर यूज करते हो, ऑयल यूज करते हो, क्रीम, स्किन क्रीम भी लगाते हैं आप, ठीक है? तो ये दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। देन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। एक डोजेस फॉर्म डेवलप करने के बाद हमें उसको स्केल अप करने की जरूरत होती है, जब भी उस टेक्नोलॉजी को हम मार्केट में लॉन्च कर रहे होते हैं। अनटिल अनलेस यू हैव नॉट डन स्केल अप ऑफ योर डेवलप्ड प्रोडक्ट, यू कैन नॉट लॉन्च योर प्रोडक्ट इन टू द मार्केट। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड हाउ वी डू इज दिस पर्टिकुलर स्टेप आई लेट यू नो इन दिस यूनिट। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट course of homotics. Here I have written the next lecture, that is of pharmaceutical powders and granules. We will study in this particular topic in my upcoming video, so come with me. Aur main ek cheez aapko yahan pe samjhana chahunga, batana chahunga examination point of view se. Subjects ko उठाना, उसको स्टडी करना, उसको सेलेक्ट करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिए जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? और उसमें भी वो यूनिट्स जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। उसके बाद आप उन यूनिट्स को जरूर एक बार ब्रशअप कर लीजिए जिनसे क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं, जो इजीली तैयार हो सकते। एक बार रीडिंग लगाओगे एक बार तो वो चीज दिमाग में रह जाती है, अच्छे से रीडिंग अगर आप लगा लेते हैं, ठीक है? तो हम पहले हमारा टारगेट रहेगा 80% क्वेश्चंस को कवर कर लेना, ठीक है? तो कोई भी सब्जेक्ट आप उठाते हैं तो उसका 80% क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी सिलेबस मैं कवर करने वाला हूँ, सबसे पहले जो 8 या 10 यूनिट्स होंगी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होंगे, 70% क्वेश्चंस, और उसके बाद के जो 30% क्वेश्चन है रेस्ट ऑफ द यूनिट से कवर होंगे, ठीक है? तो कम विद मी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।